मैंने इस ईद पे शॉपिंग ही नहीं की। यस, मैंने इस ईद पर शॉपिंग नहीं की। आप लोग भी परेशान है ना कि कैसे कैसे कर शॉपिंग नहीं कर सकता। इवन कि आई नो थोड़ा बहुत मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि कर सकती हूँ शॉपिंग, लेकिन मैंने नहीं की। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी कि सब खैरियत से होंगी। सो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। थंबनेल से देख के आपको हाफ स्टोरी का पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने जा रहा है। सो आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। आज तक और अभी तक मैंने यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं देखी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत ही मोटिवेशन और बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। फिर क्या पहनूंगी? आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं ना, ऐसा ही सोचते हैं ना, ऐसा ही सोचते हैं हम 100% श्योर कि हम सब तकरीबन ही ऐसा ही सोचते हैं अपनी एक सर्टेन लाइफ में, सर्टेन लाइफ ऑफ पीरियड में ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं। बहुत सी सिचुएशंस आती हैं लेकिन हम डिस्परेट हो जाते हैं, हम बड़े पैनिक हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में अपनी लाइफ को इंजॉय करने के बजाय हम ऐसी फजूल चीज़ों में अपनी सारे मोमेंट्स को स्पॉइल कर देते हैं। सो आज की वीडियो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स। सो होप सो कि मैं अपना पॉइंट आप तक पहुंचा सकूं एंड मेरी फुल फुल कोशिश है कि ये वीडियो सब देखें और सब इससे कुछ ना कुछ ज़रूर ज़रूर सीखें। सो यस, दिस वीडियो गोज़ टू ऑल ऑफ माय गर्ल्स, ऑल ऑफ माय ब्रदर सिस्टर्स, लिटरली हर एज के पर्सन को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम हेयर कि मैं आज आपको बताऊं, जो ये सोचते हैं कि ईद के कपड़े नहीं लिए, अगर ये चीज़ नहीं ली, ये चीज़ पूरी नहीं हुई तो हमारी ईद स्पॉइल हो गई है, ये वो, ऐसी सारी बकवास चीज़ों को प्लीज़ अपने माइंड से ख़त्म कर दीजिए। ये बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड या जो थंबनेल मैंने लगाया था कि जी मैंने ईद की शॉपिंग नहीं की, लिटरली मैंने ईद की शॉपिंग नहीं की। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप शॉपिंग नहीं कर रहे ईद की, तो ये बहुत ही कोई बहुत ही मतलब कि एक तूफान हो चुका है, एक बहुत ही ब्लंडर है ये, मतलब पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए वो वर्ड कि जी बहुत ही क्यामत आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आपके ईद के कपड़े नहीं लिए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अपनी कोई भी पिछला ड्रेस जो न्यू अभी कुछ टाइम पहले लिया होगा वो पहन लें, पिछले ईद का कोई न्यू ड्रेस पड़ा है वो पहन लें, कोई शादी का न्यू ड्रेस पड़ा है वो पहन लें। बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम इन ऑप्शंस को अवेल करने के बजाय हम एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि हमने वो चीज़ जो है अचीव नहीं की, हमने ड्रेस नहीं लिया, जूते नहीं लिए, तो जी हमारी ईद ख़राब हो चुकी है, और हम इसी को लेके अपनी सारी ईद ख़राब कर देते हैं, अपने फैमिली मोमेंट्स ख़राब कर देते हैं, अपने फैमिली टाइम ख़राब कर देते हैं। और शायद ये कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत भी की हूँ, हाँ शायद मुझे लगता है 10 to 5% मैंने भी की, जो कि मैंने बहुत गलत किया। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी ना करे और अपनी फैमिली मोमेंट, देखें कपड़े जूते ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो आपकी फैमिली, इम्पोर्टेंट है तो आपकी खुशी,
आपकी खुशी कपड़ों जूतों में नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठा लें। क्योंकि आप मेच्योरिटी लेवल आपका ये नहीं कि आप 4 साल के हो जाओगे तो आपके मेच्योरिटी लेवल आएगा, नो वे। आपका मेच्योरिटी लेवल किसी भी एज में आ सकता है। आप अपने आप को थोड़ा ग्रो अप करें। ग्रो अप करने का मतलब ये नहीं कि फैशनेबल हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, नहीं। ग्रो अप का मतलब है कि आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, और अच्छी बुक्स में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है वो हमारे कुरान पाक है। हमें उसको रीड करना चाहिए, उसके रिलेट करके। आई नो मैं भी बहुत बेस्ट नहीं हूँ, मुझे पता है मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी उस पॉइंट से नहीं जा रही जैसे मुझे जाना चाहिए था और जाना चाहिए बल्कि अभी भी। तो बस यही वजह है। तो हमें अपने आप को उससे थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। सो आप सब भी यही करें। अगर आपने शॉपिंग नहीं की, बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे नहीं शॉपिंग की, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। शॉपिंग नहीं तो कोई तूफान नहीं आने वाला। आप अपना कोई न्यू ड्रेस पहने, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, उनसे हंसी मजाक करें। एंड लिटरली हमारा, जब मैं, मेरे फादर, मेरी मामा, मतलब हम सब फैमिली इकट्ठे होते हैं तो हम बातें करते हैं। मैं जब उनको देखती हूँ ना कि वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है, उनके मतलब ऐसे देख के मुझे वो मोमेंट्स, इस तरह अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ना वही पिक्चर्स, वही सब विजुलाइज हो रहा है। और यही सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें हैं। होप सो क्या आप इस चीज़ को मेरे साथ एग्री करेंगे। सो रही बात ये कि आप लोग कहेंगे जी आप फिर आप लोग इतने ड्रेसिंग और ये वो गेट रेडी विद मी ये सब क्यों दिखा रहे हैं, तो भाई इट्स अ बिजनेस, ठीक है। हर चीज़ का एक काम होता है। हम ये जो कर रहे हैं ना सिर्फ काम के लिए कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, हमारे अर्निंग सोर्स है। सो हमें, मुझे नहीं, मैं ऐवी कहूँ मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर या ब्लॉगर हूँ, लेकिन बाकी सब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और बाकी ब्लॉग्स बनाते हैं वगैरह, तो उन सबको जो ड्रेसेस आती हैं, उन सबको जो चीज़ें आती हैं, वो उन्हें ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उन्हें ब्रांड दे रहे होते हैं, तो उनको तो बिल्कुल फ्री आ रहा होता है। इवन के फ्री भी आ रहा होता है, उस पर उन्हें पेमेंट भी मिल रही होती है, सो उन्हें डबल चीज़ें हो रही होती हैं। सो हम उनसे कंपेयर करना बंद करेंगे तभी हमारी लाइफ ना इजी रहेगी। सोशल मीडिया को अपनी लाइफ से रिलेट मत करें। लाइक मैं हूँ तो मैं अपनी जो वीडियो आपके से शेयर कर रही हूँ अभी भी, इसमें मैं कुछ ना कुछ एडिट करूँगी तो एडिट करके आपके पास आएगी। सो प्लीज़ अपनी ये जो है ना चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दें। एंड या आप जैसे हैं, जिस तरह हैं, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में भी बैठे हुए हैं, सोना तो हमने है, कपड़े पहन के हम सो जाते हैं तो हमारी क्या सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो बेहतर है कि हम क्या करें कि हम जैसे भी हों वैसे ही रहें और खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। शॉपिंग नहीं की तो कोई बात नहीं, अगर जब हमारे पास कभी पैसे आएंगे या जब हमारे पास इनकम सोर्स होगा तब हम कर लेंगे, खुद भी करेंगे, अपनी फैमिली को भी करवाएंगे। सो ये चीज़ों को अपने माइंड में रखें और बस खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। अपने सबसे ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे फील होता है, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करें। लिटरली जब आप शायद ये मुझे लगता है या बहुत से लोगों को लगता होगा, मैं जब भी अपने पेरेंट्स को खुश देखती हूँ, उनके चेहरे पे स्माइल देखती हूँ, लिटरली कसम से मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये फील भी करती हूँ, मुझे एक सुकून सजदे में, मतलब मेरे अल्लाह की तरफ जब मैं होती हूँ तब मुझे मिलता है, चाहे वो मैं वैसे बैठ के अल्लाह को याद कर लूँ तब भी। और जब मैं अपने पेरेंट्स को हंसता मुस्कुराता देखती हूँ या अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, तब वो सुकून लिटरली वो कहीं पे भी मैचेबल नहीं है। कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी लग्जरी चीज़ पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो सुकून आपको अपने पेरेंट्स को देख के होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करके होता है, वो कहीं भी नहीं होता। सो यस, यहाँ पे मैं सारे ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी जहाँ पे भी वर्क करते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अब जो टाइम है ना वो सीरियसली बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करने का है कि भाई हमें जो चीज़ें आती हैं वो स्पॉन्सर आती हैं। सो मुझे पता है कि जब हम वीडियो देख रहे होते हैं या कुछ चीज़ देख रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी ये पहने, हम भी ये करें, वो ऐसी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन हम जब ये चीज़ें बता देंगे ना कि भाई हम सिर्फ काम के लिए कर रहे हैं, हमारा भी कोई इतना शौक नहीं है, तो लिटरली लोगों की जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई चले जाती है ना, वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और उससे क्या होगा कि फैमिली का जो माहौल है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो उनकी अंदर के वो जो परेशानी, पैनिक होना और अपने सारा मूड ख़राब कर देना, उन सब में कमी आ जाएगी। कमी नहीं बल्कि बहुत अच्छा मूड हो जाएगा। जो जैसा है, जिस कपड़े में है, जिस हाल में है, वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारेगा। सो मेरा पॉइंट यही है, अपनी फैमिली के साथ इस ईद को
बहुत अच्छे से गुजारे हैं। आई नो बहुत ज्यादा महंगाई है, सो बेहतर है ना कि हम अपने पिछले ड्रेस को ही स्टाइल करें। और आजकल तो बहुत ज्यादा स्टाइलिंग वीडियोस हैं, तो उनको देख के अपने पुराने ड्रेस को कैसे न्यू में स्टाइल करना है, लिटिल बिट से थोड़ा सा चेंज करके पहने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वही ड्रेस को पहन के आप अपनी फैमिली के साथ बातें करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, और ये टाइम जो है ना अपने रब के लिए और अपनी फैमिली के लिए निकालें। बस यही पॉइंट है मेरा, एंड होप्स हो कि आप तक मेरी आज की बात जो है वो दिल से पहुंची हो। लिटरली आज जो वीडियो है मैंने दिल से बनाई है, एंड मेरा जो पॉइंट है मेरा यही पॉइंट था कि मैं आपसे अपने दिल की बात करूं और मेरी दिल की बात जो है वो आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को समझ सकें। मैं भी एक एज में थी तो मुझे यही लगता था सब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मुझ पर ज़्यादा हैवी नहीं हुआ और मैं इस चीज़ को समझ पाई। मैंने इस पर शॉपिंग नहीं की तो लिटरली मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ज़रा भी होता है ना कि हमें दूसरों को देख के लगने लग जाता है, थोड़ा सा वो होने लगता है, इस पर तो मुझे वो भी फील नहीं हुआ। मैं पहले भी काफ़ी ईद्स पे शॉपिंग नहीं करती थी, तो मुझे जब किसी की चीज़ें सुनती थी, नहीं जी हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं फलाना ढमकाना, तो उससे मुझे थोड़ा इफेक्ट होता था, लेकिन इस बार मुझे उससे भी इफेक्ट नहीं हुआ। और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे मतलब मुझे अच्छा फील होता है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मेरे अल्लाह ताला से जो कनेक्शन है वो अच्छा रहे। तो बस ये दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए मायने रखती हैं, एंड होप्स हो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई लेसन मिला है, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी सब जो इस तरह की कंडीशन में है या जो भी है जिस भी सिचुएशन में, या अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन आपके पास और भी पहले से कपड़े पड़े हैं तो आप उनको यूज़ करके जो आपने नेक्स्ट ईदी शॉपिंग करनी है, इतना पैसा लगाना है, वो किसी गरीब की हेल्प कर दें, क्या ख्याल है? तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सबको समझनी ही चाहिए। बस हमें अपनी दूसरों की फीलिंग्स को ज़रूर समझना चाहिए, हम बहुत मटेरियलाइज हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा, तो प्लीज़ थोड़ा सा एहसास रखें दिल में, इमोशंस को समझें, दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखें। एंड या बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है या कोई भी चीज़ आपको लगी है कि ये दूसरों तक जानी चाहिए ताकि दूसरे भी इसे कुछ सीख सकें या कुछ भी लेसन जो भी आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो इस चीज़ को ज़रूर समझें एंड मेरा मैसेज जो है वो आप तक अच्छे से कन्वे हो सके। तो या अल्लाह हाफिज़।